आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने की नई पहल। आगरा ट्रैफिक पुलिस करेगी इन्फॉर्मेंस टीम का गठन। चुनाव रैलियों से लेकर शहर में होने वाले ट्रैफिक को टीम करेगी मैनेज। पार्किंग के नाम पर गुंडा टैक्स वसूली पर होगी बड़ी कार्रवाई। शहर भर में अवैध पार्किंग चलाने वाले पर भी टीम करेगी कार्रवाई। डीसीपी ट्रैफिक अली अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भ्रष्टाचार में संलिप्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से छीनेगा चार्ज। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मेट्रो के अन्य स्टेशनों का निर्माण जल्द होगा शहर की एमजी रोड पर शुरू। शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली एमजी रोड होगी बंद। मेट्रो अधिकारियों संग बैठक कर मांगा गया पूरा प्लान। मेट्रो का प्लान उपलब्ध न करने पर शहर की एमजी रोड पर नहीं होने दिया जाएगा काम। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, आज बेसिकली कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं इस मीटिंग में, और जो प्राथमिकताएं की बात आपने की तो उसमें दो मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी। एक जो लेफ्ट हम लोगों को फ्री रखना है, उस पर हम फिर से अभियान चलाएंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी। करीब 30% ट्रैफिक उस साइड मूव करता है तो वहां पर हमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, एमजी रोड जो शहर की लाइफलाइन है जिससे बाकी सारी आर्टीरियल रोड आके जुड़ती हैं, उस पर जहाँ जहाँ पर ऑटोज खड़े हो जाते हैं चौराहों पर, हम प्रयास करेंगे कि बेसिकली वो 50 मीटर 100 मीटर आगे खड़े हों जिससे चौराहे का ट्रैफिक बाधित ना हो। इसके अलावा चूंकि मेट्रो का भी यहाँ पर काफ़ी काम होना है और एलिवेटेड मेट्रो बननी है, तो उसमें भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो और मेट्रो अपना उसमें डिटेल्ड प्लान दे, जिसके बाद एक ट्रायल चला के उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इन सब के अलावा NH चूंकि शहर की लाइफलाइन है, काफ़ी सारे मोहल्ले कॉलोनियाँ लोग उसके अगल बगल रहते हैं और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स वहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर भी रोड इंजीनियरिंग के डिफेक्ट्स हैं, अन्य विभागों से समन्वय करते हुए, उनके साथ बैठक करते हुए, उनको लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, जहाँ जहाँ पर भी हैं उनको हम बंद कराएंगे और समय समय पर अलग अलग अभियान चलते रहेंगे जिससे लोगों को राहत मिले और ट्रैफिक में थोड़ा जाम से उनको निजात मिल सके। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की सूचनाएं प्राप्त होंगी, हमारी एक एनफोर्समेंट टीम बनेगी और वो एनफोर्समेंट टीम वहाँ पर जाके ये चीज़ देखेगी कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है। अगर उन आरोपों में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता मिलती है तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।